हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर डूइंग फाइन एंड सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। पूरी ट्रैक पे पीसीएस की अपनी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो चलो लेट्स कंटिन्यू विद आर सीरीज। हम फेमस गुरुद्वारास के बारे में पढ़ रहे थे। वी कवर 10 गुरुद्वारास ऑफ पंजाब। ठीक है, तो इसी सीरीज इसी सिलसिले को चलिए आगे बढ़ाते हैं आज अपनी क्लास में। राइट, तो सबसे पहले जो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा थाम साहब है हमारे पास। ठीक है, करतारपुर साहब में ये गुरुद्वारा है। ठीक है, करतारपुर साहिब जैसे आप सबको पता है ये जलंधर डिस्ट्रिक्ट में है और डिवीज़न जो है वो भी जलंधर है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है करतारपुर साहिब की? गुरु नानक देव जी जो थे वो यहाँ पर 9 महीने और 26 दिन के लिए रहे थे। इसी जो स्थान है ये, यहाँ पर गुरु नानक देव जी 9 महीने और 26 दिन के लिए रहे थे। और गुरु हरगोबिंद जी जब अपने बेटे की बारात लेकर जा रहे थे, बाबा गुरुदित्ता जी की बारात लेकर जा रहे थे, तो वो इस गुरुद्वारे में या इस स्थान पर वो आए थे। राइट, और पंजाबी में थाम का मतलब आप सब जानते होंगे, थाम का मतलब होता है वुडन लॉग। ठीक है, ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये गुरुद्वारा थाम साहिब जो है उसमें थाम का क्या मतलब है पंजाबी में? तो इट मीन्स वुडन लॉग। राइट, चलिए अगले गुरुद्वारे की ओर पढ़ते हैं। अगला जो गुरुद्वारा है वो हमारे पास है गुरुद्वारा डरोली भाई। ठीक है, ये जो गुरुद्वारा है यहाँ पर एक जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो है कि बाबा गुरुदित्ता जी यहाँ पर बॉर्न हुए थे। ठीक है, वो सब जानते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट सिख सेंट। एंड जो डरोली भाई गुरुद्वारा है दैट इज़ इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट, विच इज़ इन फिरोजपुर डिवीज़न। ठीक है, यहाँ पर जो गुरुद्वारा है यहाँ पर एक आयरन प्लेट रखी गई है, विच इज बिलीव दैट कि जो गुरुजी थे वो इस आयरन प्लेट पर चपातीज बनाया करते थे जब उन्होंने फ्री किचन का कंसेप्ट बनाया था बैसाखी वाले दिन। ठीक है, फ्री किचन का जो कंसेप्ट है वो इस गुरुद्वारे में इंडक्ट किया गया था। कब किया था? ऑन द डे ऑफ बैसाखी। राइट, चलिए अगला जो गुरुद्वारा है वो है गुरुद्वारा पतालपुरी। ये भी कीरतपुर साहिब में है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि दिस इज द प्लेस वेयर गुरु हर गोबिंद जी इन 1644 एंड गुरु हर राय जी इन 1661 वर क्रिमेटेड। ठीक है, जो हमारे ये दो गुरु हैं, गुरु हर गोबिंद जी और गुरु हर राय जी, इनको यहाँ इसी गुरुद्वारा पे क्रिमेट किया गया था। और जो गुरु हर कृष्ण जी थे उनकी जो एशेज हैं वो दिल्ली से यहाँ पर इमर्स की गई थी 1964 में। ये डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपकी फैक्चुअल जो क्वेश्चन है इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं कि गुरुद्वार जो गुरु हर गोबिंद जी हैं या गुरु हर राय जी हैं इनका जो क्रिमेशन है वो कौन से गुरुद्वारा में हुआ या कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ या कौन सी डिवीज़न में हुआ। तो इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रूपनगर डिस्ट्रिक्ट एंड इट कम्स अंडर रोपड़ डिवीज़न। ठीक है, चलिए गुरुद्वारा बाबा बाल बकाला। ठीक है, दिस गुरुद्वारा इज एसोसिएटेड विद गुरु तेग बहादुर जी, बाबा मक्खन शाह लुबाना एंड माता गंगा। ठीक है, इन द लास्ट टाइम्स गुरुद्वारा हर कृष्ण जी पॉइंटेड आउट दैट द नेक्स्ट गुरुद्वारा साहिब इज इन बाबा भाला का। तो इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हुआ क्या था कि जब गुरु हर कृष्ण जी ने अपने जो उनके लास्ट वर्ड्स थे यहाँ पर उन्होंने कहा था बाबा बकाले। ठीक है, विच इट वॉज बिलीव कि जो उस टाइम के सिख्स थे उन्होंने इंटरप्रेट किया कि इट मीन्स कि जो हमारे नेक्स्ट गुरु हैं वो बकाला में हमें मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एज वी नो कि उनको मार्टर कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन एक फेमस बाबा एक और थे, मक्खन शाह लुबाना जी थे। मक्खन शाह लुबाना जी ने ही वॉज अ ट्रेडर। ठीक है, तो वो अपने ट्रेड के लिए अपने शिप्स में जा रहे थे। तो हुआ क्या, वो शिप फ्यूरियस स्टॉर्म में अटक गई। ठीक है, मक्खन शाह लुबाना शिप गॉट स्टक।
तो जब ऐसा स्टॉर्म आया तो उन्होंने गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की कि वो टू हिम कि आप मुझे यहाँ से सेफ कर दीजिए, तो मैं जो है 500 दिनार 500 दिनार गुरु के चरणों में अर्चित करूँगा कि मैं उनको गुरु को भेंट दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से बच गए, तो अपना ये जो प्रण था, अपनी जो ये वो थी, ये कंप्लीट करने के लिए वो गए दिल्ली। तो दिल्ली में जाके उन्हें पता चला कि जो गुरु हरकृष्ण जी हैं उनको मार्टर कर दिया गया है, ठीक है, मुगल एम्परर ने मार्टर कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद उन्हें उन्हें पता चला कि गुरु नानक गुरु हरकृष्ण जी ने ये कहा था कि जो है जो नेक्स्ट गुरु हैं वो बकाला में मिलेंगे। तो जब वो बकाला पहुंचे, ठीक है, बकाला जो स्टेशन था, बकाला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब हर कोई जो है वो क्लेम कर रहा था कि मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, ठीक है। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि टू डिस्कवर द ट्रू गुरु, ठीक है, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं हर किसी को 2 दिनार दूंगा, हर गुरु को जो भी क्लेम कर रहा है उनको 2 दिनार दूंगा, ठीक है, एज अ गिफ्ट। क्योंकि उन्हें पता था कि जो असली गुरु होगा, जो जो ट्रू गुरु होंगे, ठीक है, वो कभी भी 2 दिनार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो वो था वो पूरे 500 दिनार का था। एंड इफ ही और शी विल बी अ ट्रू गुरु तो वो कभी भी 2 दिनार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने जब वो जो लोग थे क्लेम कर रहे थे, तो उन्होंने जब उनको 2 2 दिनार दिए तो सबने एक्सेप्ट कर लिए, किसी ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, नो ऑब्जेक्शंस। तो मक्खन शाह लुबाना जी क्लियर हो गए कि इनमें से कोई भी गुरु नहीं है। इसी दौरान उन्हें पता चला कि गुरु तेग बहादुर जी भी यहाँ पर रहते हैं, इसी बाबा बकाला में, राइट। तो उन्होंने जब गुरु तेग बहादुर जी को 2 दिनार ऑफर किए, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि आपकी जो वो थी वो 500 दिनार की थी, आप 2 दिनार क्यों दे रहे हैं, ठीक है। जो असली सिख होगा वो कभी भी अपनी जो वचन है उससे पलटेगा नहीं। तो ये सुनकर मक्खन शाह लुबाना जी बहुत खुश हुए, एंड ही प्रोक्लेम दैट बाबा जी जो गुरु हैं वो हमें मिल गए, जो गुरु तेग बहादुर जी हैं वही हमारे नेक्स्ट गुरु हैं, ठीक है। तो एक इसकी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी। चलिए अगले गुरुद्वारा की ओर चलते हैं, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, ठीक है। सब ये जो गुरुद्वारा है ये पटियाला में है, और पटियाला भी जो डिवीज़न भी है वो भी पटियाला ही है, ठीक है। दिस प्लेस वॉज ग्रेस्ड बाय गुरु तेग बहादुर जी। तो हुआ क्या था, गुरु तेग बहादुर जी एक बारी इस गांव से निकल रहे थे, तो एक भाई राम थे, विलेजर थे इस गांव के, लहल विलेज। लहल विलेज जो है वो बिल्कुल पटियाला के साथ ही लगता है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी गुरुजी से कि गुरुजी हमारे यहाँ गांव में एक बहुत डेडली, एंड एट दैट टाइम इट वाज ए मिस्टीरियस जो है डिजीज़ है, ठीक है, जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो मर रहे थे और बीमार हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ यहाँ पे आइए और इसका हमें निवारण दीजिए, इसे छुटकारा दीजिए। तो गुरुजी ने यहाँ पर मेडिटेट करा था, ठीक है, मेडिटेट एक बनियन ट्री के नीचे मेडिटेट करा था ऑन बाय साइड ऑफ अ पॉन्ड, ठीक है, जो सरोवर जिसे हम कहते हैं, और एक पॉन्ड था जिसके साइड पर उन्होंने इसको मेडिटेट अपने मेडिटेशन की थी। और जिससे हुआ क्या था कि जो ये डिजीज थी ये इरेडिकेट हो गई थी, धीरे धीरे सप्रेस हो गई थी, ठीक है। दुख निवारण का भी यही एक मीनिंग है कि इरेडिकेशन ऑफ सफरिंग्स, ठीक है। और इसी कारण इस जगह का जो नाम था वो दुख निवारण साहिब पड़ गया, एंड जो पॉन्ड है वो फेमस हो गया कि जो भी इस पॉन्ड में एक बात लेगा उसको सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब, ठीक है। ये बहुत एक जो है वॉर के ऊपर मेमोरियल है एक तरह से, ठीक है। तो जो वॉर हुआ था साहिब मुगल आर्मी और सिख्स के बीच में, ठीक है, वो इसी गुरुद्वारा, ये इसी साइट पर हुआ था जहाँ पर अभी गुरुद्वारा है, ठीक है, चमकौर साहिब में ये गुरुद्वारा है। और जो यहाँ पर वॉर हुआ था मुगल आर्मी और सिख्स, ठीक है, जहाँ पर साहिबजादा और 3 पंच प्यारे शहीद हो गए थे, तो वो यही स्थान था।
और ये रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रोपड़ डिवीजन में है, राइट। चलिए अगला जो गुरुद्वारा है वो है गुरुद्वारा चरण कमल, ये मछीवाड़ा में है। तो दिस इज़ अ प्लेस वेयर गुरु गोबिंद सिंह जी, जब ये वॉर हुआ था 1704 वाला मुगल्स और सिख्स के बीच में, तो चमकौर साहिब से जब गुरु गोबिंद सिंह जी जब चमकौर साहिब से आए थे, तो इसी जो ये वाला जो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा चरण कमल साहिब, तो यहाँ पर उन्होंने अपना एक विजिट किया था, ठीक है। यहाँ पर उन्हें दो प्यारे भाई धर्म सिंह जी और भाई दया सिंह जी यहाँ पर गुरु जी से मिले थे, ठीक है। मच्छीवाड़ा इज इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटियाला डिवीजन, ठीक है, पटियाला के बिल्कुल पास ही है लुधियाना। चलिए अगला गुरुद्वारा है गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। तो सबसे पहले ये जो गुरुद्वारा है ये 1710 की जो वॉर थी, बैटल ऑफ रोहन, 1710, 1710, ठीक है, बैटल ऑफ रोहन जो थी वो यहाँ इसी गुरुद्वारा के साइट पर लड़ी गई थी, ठीक है। इट वॉज बिटवीन सिक्स एंड मुगल, अगेन मुगल एम्परर, राइट। तो यहाँ पर जो था सिख्स ने मुगल आर्मी को हरा दिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर साहिब जी, ठीक है। बंदा बहादुर जो थे वो कमांडर थे सिख आर्मी के, और उस टाइम पर मुगल आर्मी को बिल्कुल हरा दिया था। एंड फतेहगढ़ साहिब इज इन पटियाला डिवीजन, ठीक है। ये जो गुरुद्वारा है ये उसी एरिया पर है। तो आफ्टर द फाइट जब कॉन्कर कर लिया बंदा बहादुर जी ने, तो यहाँ पर जो फोर्ट बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक ने जो बनवाया था उसको डिमोलिश कर दिया गया था, राइट। चलिए अगला जो गुरुद्वारा है वो है गुरुद्वारा टिब्बी साहिब, ठीक है। ये मुक्तसर में है और गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर एक टिब्बा के पास जो विलेज है जैतू वहाँ पर रुके थे। टिब्बा इज सैंड ड्यून, जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं उसे टिब्बा कहते हैं पंजाबी में, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने एरो शूटिंग की प्रैक्टिस भी की थी बाकी सिख्स के हिसाब से। और यहाँ पर जो है हर 10th ऑफ फागुन, ठीक है, फेब टू मार्च के बीच में ये महीना होता है, राइट ऑफ। तो यहाँ पर हर 10 तारीख को, फागुन की हर 10 तारीख को मेमोरी इन द मेमोरी ऑफ सिख्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ ड्यूरिंग जैतू मोर्चा। तो मैं आपको एक शॉर्ट सा देता हूँ कि जैतू मोर्चा क्या था। जैतू मोर्चा वॉज एन एजिटेशन दैट स्टार्टेड इन फेब 1924। ये एजिटेशन किस लिए थी? एजिटेशन उस लिए थी कि जो महाराजा रिपुदमन जी का जो नाभा के महाराज थे, तो इनका जो थ्रोन था वो ले लिया गया था। तो फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ थ्रोन ये एजिटेशन शुरू हुआ था, राइट। अगला जो गुरुद्वारा है वो है गुरुद्वारा आलमगीर साहिब, ठीक है, इसे मंजी साहिब भी कहते हैं हम, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुके थे। तो अगर मतलब पेपर में आपसे पूछा जाता है कि जो गुरुद्वारा आलमगीर साहिब है ये किस गुरु से एसोसिएटेड है, तो गुरु गोविंद सिंह जी भी इसमें आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो हुआ क्या था, जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे उनको उनको पानी लाने के लिए कहा वेल से। तो लेकिन जब वो फॉलोअर्स पानी लेने के लिए गए तो उन्हें पता चला कि ये जो पानी है ये कंटेमिनेट हो चुका है, क्योंकि जो वेल की वॉल थी वो उसमें गिर गई थी, ठीक है। तो गुरुजी ने एक एरो चलाया ग्राउंड पर और वहाँ से स्प्रिंग निकला, वाटर स्प्रिंग निकला, और जिसे हम आज त्रिसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो और उसमें से उन्होंने पानी फेच कर लिया, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड विद अ हॉर्स बाय अ डिवोटी हेयर, ठीक है। गुरु जी को यहाँ पर एक हॉर्स भी दिया गया था उनके डिवोटी की तरफ से। और लुधियाना कहाँ पर है? लुधियाना इज इन पटियाला डिवीजन। ये बहुत ज़रूरी है, जो आपके डिवीजन्स है ना, डिवीजन्स हो गया या डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आपने कभी भी मिस नहीं करना इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। चलिए फॉर टुडे जो हमारे लास्ट गुरुद्वारा है वो है गुरुद्वारा नानकियाना साहिब,
जो संगरूर में है, ठीक है। तो दिस इज अ प्लेस वेयर गुरु नानक देव जी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी एंड गुरु तेग बहादुर जी विजिटेड, ठीक है। ये जो तीन गुरु हैं, तीनों गुरु ने यहाँ पर विजिट किया था। और हुआ, एक बार क्या हुआ था कि गुरु गोबिंद सिंह जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने एक करीर ट्री से अपना जो हॉर्स है वो टाई किया था, ठीक है। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, जब इस गुरुद्वारा की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, विदाउट नोइंग किसी एक किसी अननोन पर्सन ने ये जो ट्री था इसको कट कर दिया, ठीक है। ही डिडंट न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री, तो इस ट्री को तो जो कट कर दिया गया। तो लेकिन हुआ क्या, जब गुरुद्वारा बन गया, कंप्लीट हो गया, तो ये जो करीर ट्री था ये दोबारा रीग्रो हो गया, ठीक है। नथिंग, मतलब कुछ भी इसकी ग्रोथ को रोक नहीं पाया, जो कंक्रीट था, जो ब्रिक्स थी, कुछ भी रोक नहीं पाया, ठीक है। और जो ये ट्री था ये स्ट्रेट अवे जो रूफ है उस रूम की उससे ग्रो करता हुआ बाहर आ गया रूफ से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ये जो आज जो हमने गुरुद्वारा कवर किए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको एक बारी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस एंड प्रेस द बेल आइकन, राइट। थैंक यू वेरी मच।